राइस हो गया है भसड़, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पानी जो है निकलते जा रहा है क्योंकि ये फ्लश यहाँ पे अटक चुका है। तो अभी बज रहे रात के 12 और प्रॉब्लम ये है कि सारा पानी जो ऊपर टैंक में है, सारे लोग जो यूज़ करते हैं, वो सारा ख़त्म हो गया। तो सुबह का नाश्ता है तैयार फॉर टीटो, दिस इज़ व्हाट वी गिव हिम। सो गाइस, ये कुछ और मेहमानों के लिए, सो उनके लिए दिस इज़ द थिंग। मेहमान को देख सकते हैं, दो नए मेहमान हैं हमारे यहाँ, बड़े हो रहे हैं। तो उनके लिए मैं दे देता हूँ थोड़ा सा चावल। कल रात को हो गया था भसड़, हो गया था नहीं, हो गया है इनफैक्ट। सो क्या हो गया कि जो हमारा फ्लश लाइन होता था, किस तरह से मुझे नहीं पता, वो जो नॉब होती है या फिर जो स्विच आप कह सकते हो, वो अटक गई और ऑटोमेटिकली सारा पानी वेस्ट होने लगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड अ प्लंबर टुडे टू फिक्स इट। लेट्स सी, वो भी आने वाले हैं थोड़ी देर में, बट थोड़ा सा खराबी लग रहा है क्योंकि जो इतनी पानी जो वेस्ट हो रही है। सो कल रात मैंने फिर कोशिश किया काफ़ी उसको ठीक करने की, बट ऑब्वियसली कल रात 11-12 बजे कोई होता नहीं है। बट स्टिल आई गॉट अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ आर ऑटो मैनेजमेंट, सो उनको कॉल करके ऊपर से मैंने बंद करवाया है। सो लेट्स सी कि वंस द प्लंबर कम्स इन एंड वो फिक्स कर देता है, सो होपफुली उसके बाद सही हो जाएगा। बट मैं मेहमान के बारे में बात कर रहा था, ये इसकी मम्मी है। ये टायर आपको याद होगा जो कि बस्ट हो चुका था, द नेक्सॉन 1, एंड मुझे फॉर्चुनेटली कॉल आ गया था। मैंने एक्चुअली ट्वीट किया था तो गुडियर, एंड मुझे लास्ट वीक एक कॉल आया है फ्रॉम गुडियर। सो मैंने गुडियर इंटरनेशनल को ट्वीट किया था, फिर उसको स्क्रीट किया गया शायद इंडिया को एंड देन लोकली पुणे में। सो उनसे कॉल आया कि आप ये टायर लेकर आए। बट ये हो गई कि यहाँ जब मैं लेने गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे दो अंडे इस पिजन ने दे दिए थे और फिर थोड़ा सा नेस्ट और सब चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी बना लिया था उसने। सो फिर अर्पिता ने बोला कि इसको मत हटाओ, क्योंकि मैं तो हटाने वाला था, बट फिर अच्छा ही लगा क्योंकि ऑब्वियसली किसी ने अंडे दिए हैं तो कैसे मैं उसका घर तोड़ूँ। तो हमने सोचा कि रख देते हैं और गुडियर वालों को कुछ और बोलते हैं इन द मीन वाइल। सो हमने सोचा कि इसको रखते हैं, नेक्स्ट वीक मैं जाऊँगा शायद मोस्टली, क्योंकि इस वीक में ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि किड्स इसके हो चुके हैं, थोड़े थोड़े बड़े भी हो चुके हैं, इसलिए हम लोग इनको खाना भी दे रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, सो दैट वो जल्दी जल्दी बड़े हो और फिर मैं टायर को लेके जा सकूँ। कुछ तो कंसेशन लेना पड़ेगा, मेरा नहीं तो एटलीस्ट किसी के तो काम आ रहा है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड आई होप कि ये टायर भी मैं लेकर जाऊँ उनके पास। मोस्टली मैं आज मेरा टायर जो है पुणे में इन खराड़ी जहाँ से मैंने एक्चुअली परचेज किया है, वो उनके ऑथराइज डीलर है, तो हमें मुझे एक्चुअली बोला है कि उनके पास आ जाने ये टायर को लेके, एंड देन आई हैव द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ देम। सो मैं उसको अपनी डिस्क्रिप्शन पर भी डालूंगा, अगर आप किसी को भी पुणे में हो एंड आपको प्रॉब्लम है तो आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड सो भैया यहाँ पे आ गए हैं प्लम्बर हमारे, जो ठीक करने जो इशू था, देखते हैं कितनी जल्दी ये फिक्स हो सकता है, बिकॉज दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम टू रेस्ट ऑफ द रेसिडेंट्स। ऑमलेट एंड ओट्स। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फिनिक्स मॉल, बहुत दिन हम लोग गए नहीं, हो गए थे अराउंड आई थिंक 4-5 months 6 months हो चुके हैं। सारी चीज़ें ऑनलाइन ही लेकर हम लोग आ रहे हैं, बट थोड़ा सा ऑफलाइन भी शॉपिंग करना चाहिए तो आदत छूट जाएगी। सो हमने सोचा कि आज चलते हैं थोड़ा सा जरा सा फिनिक्स मॉल, थोड़ा आसपास घूमेंगे एंड फिर देखते हैं कि क्या क्या। ऑफलाइन शॉपिंग करने का जो मज़ा है फिनिक्स मार्केट सिटी इज़ अराउंड 2.5 to 5 kilometers मेरे घर से है, सो नॉट रियली फार, नॉट रियली क्लोज टू। सो देखते हैं यहाँ पे सैनिटाइजेशन का क्या सीन है। यहाँ पे एक शूज़ को सैनिटाइज करने के लिए उन्होंने कुछ तो नीचे डाल के रखा है, एंड यहाँ पे टेम्परेचर चेक भी ये लोग कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। फिनिक्स मॉल बहुत दिनों बाद, देखते हैं शॉपिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब भूल भी चुका हूँ किस तरह से जाते थे, किस तरह से क्या करते थे पता नहीं। फिनिक्स मॉल इतना बड़ा है कि आप सब हो जाओगे यहाँ पे अगर आओगे, बट मेरा ऐसा हुआ था कि मुझे इस मॉल का चप्पा चप्पा पता था, बट ड्यू टू कोरोना एंड कोविड, क्योंकि मैं करीब 6-7 महीने से आया नहीं हूँ, सो दैट्स वाई ऐसा हो गया कि मैं सब भूल चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या शॉप्स थी।
बट समहाउ आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट एंड फिगर आउट कि कहाँ पे क्या शॉप्स है। वैसे तो यहाँ पे आप आ सकते हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग स्टोर्स है, एक DIY करके है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक याद नहीं आ रहा है, बट दैट इज़ वेरी गुड। शुरुआत हमेशा ऐसे शॉप से ही होनी चाहिए और इसके बाद आप जितने भी चाहो लड़कों के लिए स्पेशली आप शॉपिंग कर सकते हो दबा के। सो गाइस डन विद दी शॉपिंग। सो मेरी शॉपिंग हो गई है और इनकी शॉपिंग नहीं हो पाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। अब वापस जाने का टाइम हो गया है। वेलकम सम अदर डे। शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म हो नहीं सकती है मेरे हिसाब से, जितना भी आप खरीद लो कम ही होता है, बट मूड फ्रेश बहुत होता है। खाली माइंड फ्रेश होता है ज़रूर, और जिसकी शॉपिंग कर रही है बस उन्हीं का ही होता है बस, और बाकी दूसरे का और मन भी नहीं करता है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अभी हम लोग कहाँ जा सकते हैं। वेदर वी शुड हैव इट ऑन फूड कोर्ट, डिसाइडिंग गो टू द रेस्टोरेंट और सोशल स्टिल अनश्योर। सो वी डिसाइडेड टू गो टू चाइनीज वो, ऑब्वियसली चाइनीज सर्व करेंगे ये लोग और खाने का मन भी कर रहा है। देयर वी कैन डू समथिंग मैक्स 4% मैक्स 6%। सॉस है ये थोड़ा स्पाइसी सा, कौन सा होगा? अनियन, बर्न गार्लिक, बर्न गार्लिक और फ्राइड अनियन। ज़्यादा ही भूख लग गई है और हमने कर दिया है खाना ऑर्डर, सो वी आर स्टिल वेटिंग। डन विद आवर डिनर, इट्स टाइम टू गो बैक होम। ये बात पक्की है कि आप इंडियंस से चाइनीज फूड को निकाल नहीं सकते, भले आप इतने भी चाइना को पोस लें, पर मुझे लगता है कि आप चाइनीज फूड को निकाल सकते हैं। वॉट डू यू थिंक? आपने इस वीडियो को इतनी देर तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। Thank you guys for watching. मैं अपना गर्म पानी पी लेता हूँ and then we'll go to sleep. I hope you like and enjoy the video.